रीवा के सिविल लाइन थाना टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा को उपनिरीक्षक बीआर सिंह ने मारी गोली। थाना कक्ष में हुआ पूरा घटनाक्रम, मची सनसनी। आपको बता दें कि रीवा के सिविल लाइन थाने में एसआई बीआर सिंह ने थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा को उनके चैम्बर में घुसकर गोली मार दी है। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा को मिनर्वा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। टीआई की सर्जरी के लिए भोपाल से डॉक्टरों की टीम भी रवाना हो गई है। घटना सिविल लाइन थाने में गुरुवार की दोपहर 2:30 बजे के करीब की है। उस वक्त थाने में बाकी स्टाफ भी मौजूद था। फायरिंग की आवाज़ सुनकर अन्य पुलिसकर्मियों ने टीआई को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, तो वहीं एसआई को चैम्बर में ही बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी। कमरे में बंद आरोपी एसआई ने अंदर से एक दो फायर और भी किए हैं। बता दें कि फायरिंग की इस घटना के बाद एसपी विवेक सिंह समेत दूसरे अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया गया। पूरे सिविल लाइन थाना क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस भी बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ रेस्क्यू कर आरोपी बीआर सिंह को बाहर निकालने की कवायद कर रही है। बता दें कि टीआई हितेंद्र नाथ के हार्ट के ऊपर बाएं कंधे में गोली लगी है। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। एक निजी अस्पताल में डॉक्टर उनके इलाज में जुटे हैं। सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी का कहना है कि टीआई की हालत गंभीर है। इधर अस्पताल में भर्ती टीआई को ब्लड डोनेट करने वालों के लिए अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। डीआईजी मिथिलेश शुक्ला भी उनका हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। टीआई को देखने अस्पताल पहुंचे भाजपा विधायक राजेंद्र शुक्ला का कहना है कि फिलहाल उनकी हालत स्थिर है, गोली कंधे और हार्ट के बीच में फंसी है। डॉक्टरों की एक टीम उन्हें देख रही है। अभी टीआई की जान बचाना ही प्राथमिकता है। बताया जा रहा है कि भोपाल, दिल्ली एवं जबलपुर से एक दल रवाना हो चुका है, जो कुछ ही घंटों में रीवा पहुँचेगा और धसी हुई गोली को बाहर निकाला जाएगा। आपको बता दें कि एसआई बीआर सिंह वर्तमान में सिविल लाइन थाने में टीआई शर्मा के अधीनस्थ ही थे। 7 दिन पहले ही उन्हें पुलिस लाइन अटैच किया गया था। उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, इसके चलते उनका प्रमोशन भी रुका हुआ है। बता दें कि ये सारा विवाद लाइन हाजिर की कार्रवाई को लेकर ही हुआ है। आपको बता दें कि आज दोपहर करीब 2:30 बजे एसआई बीआर सिंह थाने पहुंचे। उस समय टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा चैम्बर में फाइल देख रहे थे। बीआर सिंह ने टीआई के चैम्बर में जाकर पूछा कि मुझे लाइन किसने भेजा। इस पर टीआई बोले, ये एसपी साहब की व्यवस्था है, उनसे पूछो तो बेहतर होगा। इसके बाद एसआई ने पिस्टल निकालकर फायर कर दिया, जो सीधे उनके कंधे के नीचे जाके धस गई है। घटना के वक्त थाने में बाकी स्टाफ भी मौजूद था, जिन्होंने आनन फानन में टीआई को बाहर निकाला और उन्हें तत्परता से अस्पताल मिनर्वा में भर्ती कराया गया है। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। उनके कंधे और हार्ट के बीच में फंसी हुई है। डॉक्टर्स यहाँ के जो सुपर स्पेशलिटी के हैं, राकेश सोनी और प्रियंक शर्मा और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो सब देख रहे हैं। तो डॉक्टरों को और बुलाने की बात कही गई है। भोपाल से चिरायु के डॉक्टर कन्हेरे पेंट से और उनकी टीम हेलीकॉप्टर से रवाना हो गई है, और जबलपुर से डॉक्टर निमेश वो रवाना हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि 2 घंटे के अंदर जबलपुर वाले डॉक्टर और 4 घंटे के अंदर भोपाल वाले डॉक्टर सब यहाँ जाएंगे। तब तक हितेंद्र शर्मा को स्टेबल रखने में हमारे मिनर्वा अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं और जो सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स यहाँ गए हैं, वो कह रहे हैं कि 4-5 घंटे 6 घंटे इनको स्टेबल करने में हमें कोई परेशानी नहीं है, और ये डॉक्टर्स आ जाएंगे तो फिर पूरी टीम मिलके और यहाँ आगे का जो इलाज है वो शुरू होगा। अभी बाहर ले जाने के लिए डॉक्टर नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाहर के डॉक्टरों को यहाँ बुलाया है। तो हेलीकॉप्टर से भी और बाई रोड भी डॉक्टर जबलपुर से भोपाल से यहाँ आ रहे हैं। जिन डॉक्टर्स को दिखाने के लिए बाहर ले जाने की आवश्यकता थी, उनको रीवा ही बुलाया जा रहा है, और बचाने की पूरी कोशिश पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, राज्य शासन अपने स्तर पर सारे प्रयास कर रहा है कि उनके जान को बचाया जा सके। अभी क्या है, घटनाओं के कारणों के बजाय इनको बचाने पर ज़्यादा फोकस है। बाकी चूँकि अपराधी जो है वो तो अभी कस्टडी में ही है, तो कारण वगैरह सब पता चलेंगे। जैसे अपराध तो हुआ ही है, लेकिन अभी पहली प्राथमिकता है टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा की जान को बचाना, और उसके लिए जो भी प्रयास हैं वो सारे किए जा रहे हैं। जैसे देख रहे हैं कि पुलिस कानून व्यवस्था रीवा में किस तरह से चरमरा गई है, अब वो क्या परिस्थिति है उसको जनरलाइज करके नहीं देखा जा सकता है, लेकिन
आपको मालूम है कि कोई अपराध करता है तो अपराधी को सजा देने में सरकार कोई कसर छोड़ती नहीं। ट्रांसफर को लेकर के कुछ विवाद चल रहा था इन लोगों? विवाद चलते हैं लेकिन इस प्रकार के अपराध थोड़ी किए जाते हैं। विवाद तो बहुत रहते हैं लेकिन इस प्रकार के अपराध को अंजाम देना ये कहीं ना कहीं माना तो बुलडोजर चलेगा, ये कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति को भी बताती है। आज इंस्पेक्टर बिहार से जो कुछ समय पहले था वहीं पदस्थ थे, चार दिन पहले उनको लाइन किया गया। उनके द्वारा टीआई प्रेमनाथ शर्मा जो टीआई सिविल लाइन है उनको गोली मारी गई है और जो गोली लगी है वो कंधे से नीचे कॉलर बोन के पास में लगी है और यहाँ पे तत्काल उनको उपचार के लिए लाया गया है। यहाँ पे डॉक्टर्स ने उनको स्टेबल किया है, स्पेशलाइज डॉक्टर्स को भोपाल और जबलपुर से बुलाया जा रहा है ताकि आगे का जो पूरा चिकित्सीय प्रक्रिया है उनके थ्रू कराया जा सके। सब इंस्पेक्टर बिहार सिंह अभी टीआई कमरे में ही बंद है, उसको उसके पास अभी लोडेड वो है वेपन है, इसलिए उसको समझा बुझा के प्रयास करें। आई जी साहब से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं? हाँ, वो सभी चीज़ें हैं, सभी चीज़ों को करेंगे, किसी प्रकार करने कोई नुकसान न हो और बाकी जो कानूनी प्रक्रिया है वो जो आगे प्रक्रिया है सबकी होंगी। अभी टीआई साहब की स्थिति कैसी है अभी सर? अभी टीआई साहब की स्थिति स्टेबल है, डॉक्टर जो पैरामीटर्स हैं वो स्टेबल हैं और जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स आएंगे वो जो पूरी टीम यहाँ पर रहेगी उनके साथ फिर आगे प्रक्रिया होती है। घटना का कारण अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, जहाँ तक ये है कि किसी बात पर विवाद हुआ था और जिसकी वजह से फिर आज इस प्रकार से गोली चलाई गई है। अब वो कई सारी चीज़ें उसमें जो भी आएगा वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी और जो प्रक्रिया का पार्ट है अगर उससे ना रहे तो वो गलत बात है, बाकी चीज़ें भी देखेंगे। इस तरह से कानून व्यवस्था को देखते हैं, एक सवाल ऐसा खड़ा हो गया तो कहीं ना कहीं किस तरह से देखा जा रहा है इसको? अब आप अपने हिसाब से उसका आकलन करेंगे।